तो मतलब सब ने मेरी उम्र देख के शायद ये अंदाज़ा लगाया कि इसकी लाइफ में मेंटोर रहा होगा, हमारी में नहीं, बट मेरी में भी कोई नहीं रहा. मुझे स्कूल टाइम से एक ये चीज़ तो थी, मुझे क्या बनना है ये मुझे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक नहीं पता था, लेकिन मुझे क्या पढ़ना है ये मुझे पता था. सिक्स क्लास में हमें एक असाइनमेंट मिला था, छोटी सी स्टोरी मैं भी शेयर करना चाहती हूँ. उसमें हमें स्प्राउट्स उगा कर लेकर जाने थे, साइंस एक्सपेरिमेंट था. तो मैंने मम्मी को बोला नहीं ये मैं ही करूँगी खुद से. मम्मी ने बोला था नहीं मुझे आदत है मैं कर दूँगी. अब मैंने उसमें कुछ पानी ज़्यादा डाल दिया, क्या हुआ मेरे स्प्राउट्स नहीं उगे. तो तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे साइंस नहीं पढ़नी है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में, अभी तो मजबूरी है टेंथ तक पढ़नी पड़ेगी. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी है, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगी. इतना मुझे पता था, पर मुझे ये गाइड करने के लिए कोई नहीं था कि आप ये पढ़कर आगे क्या करियर ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो. मेरे शहर में भी, सर के शहर में कॉमर्स और आर्ट्स था, मेरे शहर में सिर्फ कॉमर्स और साइंस हुआ करती थी, आर्ट्स ऑप्शन था ही नहीं. और मुझे हमेशा से आर्ट्स ही पढ़नी थी. तो एक ये चीज़ भी हुई, फिर मैंने सोचा साइंस तो बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएगी, तो मैंने कॉमर्स लिया. एटलीस्ट मैं इकोनॉमिक्स तो पढ़ पा रही हूँ, तो मैं उस चीज़ से खुश थी. बट फिर भी कुछ पता नहीं था कि आगे क्या करना है. कॉलेज में जाकर मुझे फिर से स्ट्रीम स्विच करनी पड़ी, क्योंकि कॉमर्स तो मुझे पढ़ना नहीं था. बट मैंने ये सोचा कि अगर पहले ही मुझे लाइफ में एक मेंटोर मिला होता, क्योंकि हमारे स्कूल ने इतना तो किया था कि करियर काउंसलर्स को बुलाते थे. अब उन्हें किसी किसी कॉलेज से पेमेंट मिला होता है, वो सिर्फ उस कॉलेज के बारे में बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, कॉमर्स पढ़ाए तो सिर्फ एक ऑप्शन है, या तो आप बीकॉम करो या सीए बन जाओ. तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आई फील बच्चों को पता ही नहीं होते हैं. ना मेरे पेरेंट्स दोनों ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्हें मेरे टाइम पर जितने करियर ऑप्शंस आ चुके हैं वो नहीं पता है. मुझे कार्टूनिस्ट बनना था, लेकिन बचपन में मुझे किसी ने एनकरेज नहीं किया, तो मैं वो आज नहीं बन पाई. बट एटलीस्ट एक टीचर थे मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरा मिमिक्री का टैलेंट पहचाना, और उन्होंने बोला कि हाँ तुम ठीक है आगे जाके ये करना. बट तब मैंने ये सोचा कि मिमिक्री करके मैं क्या ही कर लूँगी. तो आई फील कि एक पर्सनल मेंटोर अगर आपके पास होगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे कि हाँ तुम जो कर रहे हो ठीक है, इसमें ये चीज़ हो सकती है, बट फिर भी वो आपको एक पॉजिटिव वे में गाइड करे, तो आई फील उससे बच्चों को बहुत हेल्प होगी. मैम यही हमारा प्रयास है मैम कि हर बच्चे को